नमस्ते, क्या आपने मार्केट प्राइस पर स्टॉक ऑर्डर दिया था लेकिन वह किसी और प्राइस पर एग्जीक्यूट हुआ? आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। शेयर बाजार में शेयरों की कीमत यानी कि प्राइस लगातार बदलती रहती है। आपने देखा होगा कि बाजार समय के दौरान किसी शेयर की कीमत एक टाइम पर कुछ होगी और अगले सेकंड कुछ और। उदाहरण के लिए, बाजार समय में अगर किसी शेयर की कीमत आपको 100 रुपए दिखाई दे रही है तो अगले ही सेकेंड वो 101 हो सकती है या फिर 99 भी हो सकती है। स्टॉक की कीमत माइक्रो सेकेंड के भीतर बदल सकती है। इसका मतलब ऑर्डर देते समय कुछ और प्राइस हो सकती है और ऑर्डर एग्जीक्यूशन के समय कुछ और। यह जांचने के लिए कि आपका स्टॉक ऑर्डर किस कीमत पर एग्जीक्यूट किया गया है, आप अपने ग्रो डैशबोर्ड पर उस स्टॉक पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ होल्डिंग डिटेल्स पर क्लिक करें और ऑर्डर हिस्ट्री पर जाएं। यहाँ आपको अपने ऑर्डर की एवरेज प्राइस यानी कि औसत कीमत दिखाई देगी और साथ ही ऑर्डर टाइप भी। अगर आपने एक से ज्यादा मात्रा में शेयर्स खरीदे या बेचे हैं तो आप लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में जाकर हर स्टॉक क्वांटिटी यानी मात्रा की प्राइस चेक कर सकते हैं। मुझे आशा है कि ये मददगार था। बाय बाय। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। प्लीज रीड द रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग इन इक्विटी शेयर्स, डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड एंड ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेडेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस।